हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल कॉन्सल्ट एंड प्लान्स। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट कर, तो फ्रेंड देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ मच क्वांटिटी आर रिक्वायर्ड इन वन कॉलम। ओके फ्रेंड, तो अगर हमारे पास एक कॉलम है, देख सकते हैं यहाँ पर हम जो कॉलम एज्यूम की है वो है हमारे 3 मीटर की, जिसकी जो विड्थ होने वाली है 230 mm और हमारी जो लेंथ होने वाली है 300 mm की। ओके फ्रेंड, देन इस केस में कितनी सीमेंट सैंड या फिर एग्रीगेट जो भी हमारी क्वांटिटी होगी वो कितनी लगने वाली है, इस पर बात करने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड, और अब बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती है। ओके फ्रेंड, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कॉलम साइज दिया है वो हमारा कितना दिया है, 230 mm × 300 mm। ओके फ्रेंड, देख सकते हैं हमारा ये कॉलम है और इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर दिया है 230 mm इन विड्थ हमारी दी गई है और जो हमारी जो लेंथ है वो हमारी दी गई है 300 mm। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये है हमारे mm में, तो और इसे हमने सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और हमें पता है 1000 mm बराबर होता है 1 मीटर। तो फ्रेंड ये हमारा हो जाता है, जब 1000 डिवाइड देने पर हमारा आ जाता है 0.23 × 0.3 मीटर। ओके फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं हाइट ऑफ कॉलम। फ्रेंड तो हाइट तो हमारा जो कॉलम है वो हमारे कितना कंसीडर किया गया, 3 मीटर की कॉलम हो गई। तो हमारी जो लेंथ निकल की 0.3 मीटर, विड्थ निकल की 0.23 मीटर। और फ्रेंड यहाँ पर अगर वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट की बात करें तो इस केस में हमारा जो भी निकला फ्रेंड, देख सकते हैं कि जो हमारी जो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके फ्रेंड, तो अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम कंक्रीट आ जाएगी। तो फ्रेंड देख सकते हैं लेंथ हमारी 0.3, विड्थ हमारी 0.23 और हमारी जो हाइट की बात करें फ्रेंड ये हमारी 3। तो हाँ, आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो वॉल्यूम कंक्रीट निकल जाती है फ्रेंड ये निकल जाती है हमारी 0.207 m³। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो हमारी जो निकली वॉल्यूम कंक्रीट ये निकली वेट कंडीशन। ओके फ्रेंड, क्योंकि अगर वेट कंडीशन से अगर हम लोग क्वांटिटी फाइंड करना चाहें जो भी हमारा सीमेंट या फिर एग्रीगेट की बात करें तो हमारी क्या निकल जाती है, एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सेस अमाउंट निकल जाती है। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एक फैक्टर यूज करते हैं 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेट कंक्रीट, वो हमारे आ जाते हैं आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 0.32 m³। ओके फ्रेंड, ना हम लोग बात करते हैं हेयर, यहाँ पर जो कंक्रीट की ग्रेड यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है फ्रेंड, M20, जिसके अगर रेशियो की बात करें फ्रेंड 1:1.5:3। ओके फ्रेंड, ये 1 पार्ट है हमारा सीमेंट का, 1.5 पार्ट है हमारा सैंड का और जो हमारा जो 3 पार्ट है फ्रेंड ये हमारा किसको बताता है, एग्रीगेट का। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इसको कैलकुलेशन करने के पहले जो हमारी जो रेशियो होती है हमारी, इसको समेशन कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड, तो 1 + 1.5 + 3 इक्वल टू हमारे आती है 5.5। ओके फ्रेंड, नाम लोग बात करते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए फ्रेंड इक्वल टू सीमेंट इक्वल टू हमारा हो जाएगा जितना भी नंबर ऑफ द पार्ट हो गए। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट है हमारा, पहला पार्ट होता है सीमेंट का, तो 1/1 टोटल रेशियो, टोटल रेशियो फ्रेंड निकाल चुके हैं 5.5। तो फ्रेंड यहाँ पर हो गया 1/5.5 इंटू हो जाएगा फ्रेंड जो भी हमारी वॉल्यूम रहेगी, तो ड्राई वॉल्यूम निकलता फ्रेंड कितना 0.32, तो हमारा हो जाएगा 0.32, इसको कैलकुलेट कर पाएगा फ्रेंड 0.0588 m³। ओके फ्रेंड, ना फ्रेंड हम बात करते हैं जो भी हमारी जो सीमेंट आती है वो हमारी बैग में आती है, तो फॉर नंबर ऑफ द बैग इक्वल टू क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1440 से। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी ऑफ जो हमारी जो सीमेंट होती है वो हमारी होती है 1440 kg/m³, तो पर मीटर क्यूब में हमारे पास 1440 kg आती है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ निकल जाएगी टोटल क्वांटिटी इन kg 84.672। ओके फ्रेंड, और जो हमारी जो सीमेंट की बैग होती है पर बैग हमारी होती है 50। ओके फ्रेंड, पर बैग होती है हमारी 50 kg की, तो डिवाइड देने पर हमारी आ जाएगी 1.69 बैग, जिसको हम लोग 1.7 बैग कहते हैं। ओके फ्रेंड, ना हमारे सेंड की बात करें फ्रेंड, तो सिमिलरली यहाँ पर जो सेंड का पार्ट है वो हमारा है कितना 1.5 और इसे डिवाइड देना पड़ेगा अगेन सिमिलरली टोटल जो हमें रेशियो है 5.5 से और इंटू करना पड़ेगा जो भी हमारा ड्राइव वॉल्यूम निकली 0.32 m³ से। देन हमारी जो सेंड की क्वांटिटी आ जाती है 0.087 m³ और इसको अगर सीएफटी की बात करें फ्रेंड, क्योंकि हमें पता है 1 m³ में हमारे क्या होती है 35.314 cu ft, देन मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाता है फ्रेंड 3.07 cu ft। ओके फ्रेंड, ना सिमिलरली एग्रीगेट की बात करें तो 3 अब हमारा हो जाएगा जो भी एग्रीगेट का पार्ट रहेगा 3 और डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू हो जाएगा फ्रेंड ड्राइव वॉल्यूम जो भी हमारा 3.032। ओके फ्रेंड, ना हमें ये तो मीटर क्यूब में निकला, सिमिलरली हम लोग जो भी एग्रीगेट या फिर जो भी सेंड लाते हैं क्यूबिक फीट में लाते हैं, तो इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे भी क्यूबिक फीट में, देन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड, यहाँ पर हो जाएगा 0.174 × 35.314 जो आफ्टर कैलकुलेशन आएगा 6.16 cu ft। ओके फ्रेंड, तो
तो फाइनली जो फिर कैलकुलेशन निकला कि अगर वन कॉलम है, किसी भी एक कॉलम में कितना जो भी कंक्रीट हो रही है तो उसके इसमें कितना हमारा मटेरियल लगने वाली है, तो उसके इसमें हमारा जो सीमेंट लगेगा 1.7 बैग निकलेगा, और जिसकी अगर केजी की बात करते 85 केजी। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं 84.672 केजी है, जिसको हम लोग हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हम लोग 85 लेके चलते हैं। सेंड की बात करें 3.07 क्यूबिक फीट, और एग्रीगेट हमारे निकल गए फ्रेंड 6.16 क्यूबिक फीट। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।